अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक मैं ये लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ कि बाथरी पंचायत में मोहम्मद यूसुफ कोहली जो ये रुमाल बांध के है यहाँ, इसको भाईचारे ने तरक किया था। इसको घास बहुत काफ़ी काटने के लिए था, इसने दिया था महराजिन मलिक साहब को वोट भी दिया था और सपोर्ट भी की थी, और इसको अपने गाँव वालों ने काफ़ी धूमधाम से मतलब घास शाह काटने में ज़मींदारी में बाई काट कर लिया। और ये वो यूसुफ कोहली है जिसमें महराजिन मलिक के सपोर्टर जितने भी सपोर्टर हैं, आम आदमी के टोपी लगा के बैठे, ये देखे इन्होंने खुद अपनी जिम्मेवारी पे ढोल बीन लगाया है, और ये जितने भी बंदे हैं ये खुद आए हैं यहाँ से, देखें ये लाइव वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। और इसका जो यहाँ घास काटने का कुछ थोड़ा सा खेत था, और इन लोगों ने इसको बहुत धूमधाम से इसकी सपोर्ट की, और काफ़ी हिम्मत से ये नौजवान घास काट रहे हैं कि हमारे बुज़ुर्ग भी इसके साथ साथ में तावन दे रहे हैं कि ये देखें। और एक नौजवान टाटा से जिसका नाम फरीद अहमद है, ये देखिए सामने में दिखा रहा हूँ, महराजिन मलिक साहब का एजेंट, ये टाटा से पहुँचे हैं। ये मोहम्मद यूसुफ कोहली साहब हैं, और ये बहुत दुख का इजहार करते समय हमें बोलने लगा कि जब महराजिन मलिक साहब जीते थे और ये खुद अकेला ही इस फाट में घास काट रहा था, और इसको हमने दावत की और रोड में बुलाया, हमने खुशी की, और उसके बावजूद इसके साथ हमने ये फैसला कर दिया कि हम तेरा घास खुद ही काटेंगे। माशाल्लाह ऐसे ही वोटर और सपोर्टर होने चाहिए, ऐसे ही तावन देने वाले लोग होने चाहिए, नौजवान यूथ के बंदे कि जो हमें वोट और सपोर्ट करें। ये मोहम्मद ये शौकत अली साहब हैं मीर, ये वालेकुम सलाम शौकत अली साहब, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस यहाँ इस जगह आज जिंदगी में पहली बार आ रहा हूँ। जी क्यों आ रहा हूँ पहली बार, क्योंकि अब ये जो सिस्टम जो है ये इलेक्शन की वजह से हुआ, क्यों हुआ, हमारे जो यूसुफ भाई हैं इन्होंने जो अपना वोट था वो महाराज साहब को दे दिया। बिल्कुल, अब हमें इसलिए यहाँ आना पड़ा, क्यों आना पड़ा, क्योंकि इसकी जो अपनी बरादरी थी उसके खिलाफ हो चुकी है, खिलाफ हो गई, क्योंकि बरादरी तौर पे जिस हिसाब से हम घास काटते थे उस हिसाब से घास काटने के लायक नहीं रहे अब। तो हमें अब इनकलाब की तरफ से एक यूथ को जमा किया शाम से, हमारा मशवरा है मिलजुल के आएंगे इसका घास काट देंगे। जी शौकत अली साहब, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस बारे में खिलाफ हुए, इसकी जो बरादरी है, मेरे जो सुनने में आया है, मेरे हिसाब से जो सुनने में मुझे आया कि इसलिए खिलाफ होगी, इसने जो वोट अपना किया महराज साहब को किया, महराज साहब को, बाकी जो इसकी बरादरी अपनी है जी उन्होंने वोट कहीं और दूसरे फिर को, कहीं किसी ने बीजेपी को डाला होगा, किसी ने कांग्रेस को डाला होगा, किसी ने एनसी को डाला होगा, अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ किस किस को डाला, इसको इसलिए खिलाफ होगी कि आपका वोट जो है आप ही महराज साहब को क्यों डाला, बाहर हो क्यों, बाहर क्यों किया आपका वोट, तो इसलिए अब हमें एक यूथ जमा करके, क्योंकि इसको जो बरादरी अपनी थी वो खिलाफ हो चुकी है, खिलाफ हो गई, अब हमें शाम को एक मीटिंग होगी, हमें यूथ को इकट्ठा किया, इनकलाबी जो हमारे भाई है ये जमा होके आके हमसे सोचा इनका जो घास है काट डालेंगे, यही कहना है मेरा। बहुत अच्छा, थोड़ा ये बहुत अच्छा, मुबारक है आपके लिए, आप ऐसे नौजवानों के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। यूसुफ भाई की बात, जी जी इनकलाबी का यूथ का जो भी जिसने महाराज साहब को वोट किया, क्योंकि जिसने चोरों को गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए वोट किया, हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं, चाहे किसी काम का भी हो, खालिस घास नहीं हो, किसी ने अगर लेटर भी डालना होगा हम इंशाल्लाह तैयार हैं। जो ये बंदे आए हैं ये कहाँ से आए हैं, ये जो बंदे कहीं टाटा से आए हैं, कहीं बाकी से आए हैं, इन लोगों को किसने पैसा दिया यहाँ, ये तो खालिस इनकलाबी की तरफ से, इनकलाबी की तरफ से पैसा, और कुछ बंदे यहाँ से वहाँ वहाँ से आए वो मुझे अभी मालूम नहीं है, क्योंकि बाथरी का रहने वाला हूँ, यहाँ वहाँ से बंदे हैं मुझे अभी मालूम नहीं है, अब इंशाल्लाह जब ढोल खत्म हो जाए उसके बाद में आपके सामने फिर लाइव आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके लिए, देखिए ये खुशी की बात है, ये खुशी का मकाम है, जो खुशी का मकाम इन लोगों को मिला है, और इस खुशी से आपने आपको खुशी देख रहे हैं।
ये यहाँ देखिए, ये लाइव वीडियो चल रही है, बहुत बड़ी फाट है, जो बहुत बड़ी पहाड़ी है इससे। देखिए सर, देखिए, शुक्रिया शुक्रिया आपके लिए, और जितने भी हमारे चैनल के फैन हैं, जितने भी हमारे महाराजी मलिक के फैन हैं, सब देखें इसको और अपनी अपनी राय सब कमेंट्स में लिखें। शुक्रिया, आदाब, सलाम अलैकुम।